हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपकी क्लास चल रही है और आपकी क्लास जो है आज आपकी रीजनिंग की क्लास मैथमेटिकल ऑपरेशन की होने वाली है। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक बार ज़रा हम भी पढ़ते हैं। 75 क्लास में वर्दी हाथ में एक स्लोगन है हमारा, जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्लोगन क्या है कि 75 क्लास में वर्दी हाथ में। जो भी बच्चा 75 क्लासों को करेगा, हम उम्मीद के साथ में कहते हैं कि उसको वर्दी ज़रूर हासिल होगी, उसको वर्दी ज़रूर हासिल होगी। तो लग जाइए, मन लगा के लग जाइए, तन मन और धन के साथ में लग जाइए। सभी लोग, सभी बच्चे लग जाइए। जिसको भी वर्दी पहननी है, वर्दी का सपना है जिसको भी, वो क्लासों को करिए। और क्लासों को करने के बाद में जब भी रिजल्ट आता है तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है? तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा कौन सा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लास नंबर आपकी 21। और जैसा भी आपको पीछे जितना भी कंटेंट दिया गया है, हमें लगता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। तो आज की क्लास में जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला, एग्ज़ाम के बेस, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, उसी को बेस मानते हुए क्वेश्चनों को रखा गया है। जितने भी क्वेश्चन हमने रखे हैं वो सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में, CISF के में, किसी ना किसी में, फायरमैन के में, हेड कॉन्स्टेबल के में, कॉन्स्टेबल के में, सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका ब्लड मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है? तो आइए, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में पहले तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम पहले तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हमारा, उसको हम रखेंगे क्या, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, हमारे जो ऑप्शन होते हैं उसको हम किस तरीके से करेंगे, किस किस तरीके से हमें उसको करना चाहिए, ठीक है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि अगर हमारे पास में कोई भी चार सिंबल हो, कोई भी चार सिंबल है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ठीक है? ये चार सिंबल हमें दिए गए हैं। अब इन चार सिंबलों में उसके बाद में जो भी डाटा होगा, जो भी डाटा है, एक तो डाटा हमारा ये रहेगा कि चार सिंबल है, चार सिंबलों को हमें क्या करना है, चेंज करना है, सिंबलों को चेंज करना है। चेंज करने के बाद में जो भी क्वेश्चन होगा उसको तब सॉल्व किया जाएगा जब हम इन चार सिंबलों को चेंज कर देंगे। किसमें? किसी में भी चेंज करने के लिए वो बोल सकता है, किसी में भी चेंज करने के लिए बोल सकता है। प्लस को किस में कर दे, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, माइनस में और प्लस में, इस तरीके से वो क्या करेगा, चेंज कर देगा, इस तरीके से वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो चेंज करेगा जब, तो उसके बाद में जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आपको सॉल्व करना है, उसको तब आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन पहले टाइप में तो मान के चलिए हमें ये मिल रहा है, लेकिन दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, जितने भी आपके इसमें टाइप हैं उनको सबको कवर करेंगे। और कवर करेंगे कैसे, मान के चलिए पहला टाइप आपका ये हो गया, दूसरे टाइप में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बीच में आपको क्या दे देगा, स्टार दे देगा, क्या दे देगा, स्टार दे देगा, और इक्वल में दे देगा आपका क्वेश्चन मार्क, या कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो सकती है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, ठीक है? तो उसको कहेगा कि उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। इसके लिए भी आपको ऑप्शन देगा, आप कितना, 1, 2 और 3, तीन सिंबल देगा आपको और ऑप्शन आपको चार के चार ही मिलेंगे, ऑप्शन तो आपको चार ही मिलेंगे। तो जब यहाँ पर तीन ऑप्शन देगा तो आपको अब ये सोचना है कि 4, 8, 2 और 4 से हम 120 कैसे लेके आए, हम 120 कैसे लेके आए, या कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। अभी तो फिलहाल अभी कितनी, 120 संख्या, लेकिन संख्या आपकी कोई सी भी हो सकती है, संख्या आपकी कितनी भी हो सकती है, 120 है, 110 है, 180 है, कितनी भी हो सकती है आपकी, उसके लिए कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मान के चलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और प्लस अगर मैं कर देता हूँ, अगर मैं ये चीज़ कर देता हूँ, तो इसी तरीके से आपको कुछ ऑप्शन और मिलेंगे, तीन ऑप्शन और मिलेंगे,
उनमें भी कोई ना कोई सिंबल होगा, उनमें भी कोई ना कोई आपका सिंबल होगा, तो उनको आपको देख के करना है, उसको देख के, और तब आपको वो क्वेश्चन लगाने हैं, वो सिंबल आपको रखना है जिससे वो हमारा सॉल्व हो सके, ठीक है। उसके बाद में टाइप थ्री में, टाइप थ्री आपका एक ये होगा, टाइप थर्ड आपका ये होगा कि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और सिंबल दे दिया जाएगा। उसके बाद में चार ऑप्शन में आपको जो संख्या और सिंबल दी गई होंगी उनमें से आपको एक सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन आपके सारे तरीके के आएंगे, टाइप आपका सारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बस एक मिनट दीजिए, आपके जो टाइप है वो टाइप सारे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहले क्वेश्चन से हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और पहले क्वेश्चन से हम देखेंगे कि क्वेश्चनों को किस तरीके से रखा है उन्होंने, क्वेश्चनों को उन्होंने किस तरीके से रखा है और फिर उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको कैसे हमें सॉल्व करना है वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहली बात तो उसने क्या कहा है कि 16 को डिवाइड किया 4 से तो कितना बना, 74। कितना बना उन्होंने रखा, 74। लेकिन जब हम 16 में 4 का डिवाइड लगाते हैं तो हमारा तो 4 ही बनता है, इन्होंने तो 74 रख दिया, इन्होंने तो 74 रख दिया। क्यों रखा है वो एक रीजन है कि जब 16 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 आया, मतलब लास्ट की डिजिट आ गई हमारी, कौन सी आ गई, हमारी लास्ट वाली जो डिजिट है वो हमारी आ चुकी है। और जब पहली दो संख्याओं को जिसमें हमने डिवाइड लगाया है उनको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारी जो पहली संख्या है वो हमारी आ जाएगी, पहली जो संख्या है ऐड करने पर वो हमारी आएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। दूसरा, 7 का इसमें डिवाइड लगाया, पीछे वाली संख्या आ गई, दोनों को ऐड किया आगे वाली संख्या आ गई। डिवाइड लगाया 9 आ गया और दोनों को ऐड किया 9 आ गया आगे वाली संख्या। अच्छा, इसके बाद में दोनों को ऐड किया कितना आया, 10। इसमें इसका डिवाइड लगाया कितना आया, 11। तो कौन सा ऑप्शन बैठता है हमारा, कौन सा ऑप्शन बनता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, आप ये सभी देख रहे होंगे, आप ये सभी देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन में जो रीजनिंग लगी है, जो टाइप हमारा लगा है, ट्रिक जो लगी है हमारी, वो किस तरीके से लगी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसके और टाइप हम देखते हैं, और क्वेश्चन इसके हम देखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, 45 + 15 कितना दिया, 30 दिया है। अरे भैया, जब हम 45 और 15 को ऐड करते हैं तो वो तो 60 होता है, कितना होता है, 60 होता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, 30 दिया है, मतलब 60 का आधा दिया है, ठीक है। 17 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो 17 और 7 होता है 24, लेकिन इन्होंने तो 10 दे दिया। अब इसका आधा करेंगे, आधा तो 12 होता है, आधा तो 12 होता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है। तो मेरी ये जो ट्रिक हमने लगाई है, ये तो हमारी फेल होगी। दूसरा तरीका क्या कहता है कि अगर मैं 45 से 15 को माइनस कर दूँ तो क्या बनेगा, मेरा 30 बनेगा, बन रहा है। लेकिन जब हम 17 को 7 से माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 10 बनता है। और जब 52 को 25 माइनस करेंगे, 52 से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो तेज वाले बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, मैं तो केवल लास्ट वाला डिजिट चेक करूँगा। लास्ट वाला डिजिट मेरा क्या आया, 7 आया। तो जब आप इसको कम करेंगे तो 77 तो होगा नहीं,
जब आप इसको रिड्यूस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो 77 तो होगा नहीं, कम तो होगा नहीं, ज़्यादा होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 27। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको भी देखते हैं हम। अब के इन्होंने क्या करा है, अब के क्वेश्चनों में क्या किया कि 4 - 4 कितना कर दिया? 12 कर दिया। 4 - 4 कितना कर दिया? 12 कर दिया। 6 - 6 कितना कर दिया? 30 कर दिया। 2 - 2 कितना कर दिया? 4। तो 8 - 8 इक्वल क्या होगा? 8 - 8 इक्वल क्या होगा? अब देखिए, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है आपका? पहला तरीका है कि 4 - 4 - 4 इक्वल कितना? 12। 6 - 6 - 6 इक्वल 30। 2 - 2 - 2 इक्वल 2। और 8 - 8 - 8 इक्वल 8। 8 - 8 = 64, 64 - 8 = 56। कितना? 56। आंसर मेरा आना है 56 ही, लेकिन आंसर मेरा आना है 56 ही। पहला तरीका तो मेरा ये था, पहला तरीका मेरा ये था। दूसरा तरीका क्या है? सेकंड टाइप यहाँ लिखे देते हैं। सेकंड टाइप क्या है कि 4 - 4 इक्वल 12 आपको बनाना है। तो 4 × ये जो सेकंड वाली जो संख्या है इसको 1 कम कर दीजिए, मतलब 3, इक्वल कितना हो गया? 12 हो गया। 6 × 5 इक्वल 30 हो गया। 2 × 1 इक्वल कितना हो गया? 2 हो गया। और 8 × 7 इक्वल कितना हो गया? 56 हो गया। कितना हो गया? 56 हो गया। मतलब मेरा जो आंसर है वो दोनों तरीके से क्या आ रहा है? 56। क्या आ रहा है? 56 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब देखिए उसमें क्या था, बस इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया है। इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें पेन चलाने की आपको ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। 4 + 4 + 1 कर दिया, इक्वल 7 आ गया। ठीक है, इसमें केवल यही क्या है और कोई इसमें नहीं किया है। 6 × 6 + 1 इक्वल कितना? 37। ठीक है, मैं इसको आपको ज़्यादा इसमें आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे पीछे डिस्कस किया है, इस वाले क्वेश्चन पे इसी तरीके से पीछे डिस्कस किया, तो इस पे आपको ज़्यादा बताने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इक्वल 5। तो आपको क्या करना है? 5 × 5 + 1 5 × 5 = 25 और 1 = 26। क्या आ गया? 26। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 3 + 8 - 4 इक्वल क्या दे दिया? 6 दे दिया। क्या दे दिया? इक्वल 6 दे दिया। 4 + 6 - 8 इक्वल 3 दे दिया। 2 + 8 - 8 = 2 दे दिया। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हम इसको कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया है जी, कि हो सकता है प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। अब इसको क्या करेंगे हम कि ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ तो 2 आएगा, तो ये तो आपका नहीं है। तो इसमें क्या करा है, इसमें देखो इसमें क्या करा है, इसमें क्या है कि हमारा 3 और 8 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, देखिए ये जो सिंबल दे रखे हैं आपको, ये तो सिंबल एक ऐसे दे दिया कि हो सकता है यहाँ पे आपको स्टार भी दे सकता है, यहाँ पे आपको क्या दे सकता है? स्टार भी दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है, कोई एक सिंबल भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपको। वो तो आपको अपने खुद से देखना है कि हमें कैसे करके ये आंसर लेके आना है, किस तरीके से हमको ये आंसर लेके आना है। तो क्या किया? 3 × 8
और डिवाइड किया है कितने से, चार से, डिवाइड किया है चार से, तो कितना बन रहा है, छः। कैसे, चार से दो और तीन दूनी छः। अब ये चार गुना छः डिवाइड कितना, कितना, चार से ये दो बार और दो से ये तीन बार, आंसर आया तीन। दो गुना आठ और डिवाइड कितना, दो, दो से दो कैंसिल हो गया, आठ बच गया। बचा कितना, पाँच गुना आठ, पाँच से चार को डिवाइड किया, डिवाइड किया दो, तो कितना आ गया हमारा, दस। कितना आ गया, दस। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके हो चुके हैं पाँच, क्वेश्चन हो चुके हैं आपके पाँच, यहाँ तक सबको समझ में आया है। अगर नहीं आया तो एक बार बता दीजिए, फिर उसके बाद में एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं, नहीं तो फिर हम सेकेंड टाइप पे चलने वाले हैं। ठीक है, फिर चलेंगे हम कौन से पे, सेकेंड टाइप पे। कौन से पर, सेकेंड टाइप पर हम चलते हैं। सेकेंड टाइप में आपको क्या दिया है, स्टार दे दिया। अब देखिए, अब सेकेंड टाइप में आपको क्या दिया है, स्टार दिया है। अब जब स्टार दिया है तो क्या होगा, किस तरीके से अब क्वेश्चन बनेगा स्टार के बाद में, हमें क्या लगाना है वहां पर, हमें वहां पर क्या लगाना है, किस तरीके से लगेगा, वो हमें देखना होगा। यही है ना, अब हमें उसको किस तरीके से हमें देखना होगा, यही सबसे बड़ी बात है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको करना किस तरीके से होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, थ्री स्टार थ्री, इक्वल कितना दे दिया, अट्ठारह दे दिया, मतलब तीन स्टार तीन मतलब अट्ठारह, चार स्टार चार मतलब बत्तीस, सात स्टार सात अट्ठानवे, और छः स्टार का आपसे पूछा है। किसका पूछा है, छः स्टार छः का आपसे पूछा है। तो अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो सीधा सा है, कोई ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, क्या करा इन्होंने, इन्होंने किया कि तीन गुना तीन कितना, नौ, और उसके बाद में फिर दो की मल्टीप्लाई कर दी और कितना कर दिया, अट्ठारह, कितना कर दिया, अट्ठारह कर दिया। उसके बाद में इन्होंने किया कि चार गुना चार, और मैं डायरेक्ट यहीं कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ ना करके यहीं कर देता हूँ, तो कितना आया मेरा, 32, सेवन मल्टीप्लाई सेवन और मल्टीप्लाई टू इक्वल कितना कर दिया, 98 हो गया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आपको क्या करना है, जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी, मल्टीप्लाई कितनी आई, 9, 9 को ही दोबारा से ऐड कर दिया, उसी संख्या को दोबारा से उसी में ऐड कर दिया दो करके, ये कितना आया था, चार चौक 16, चार चौक 16, 16 को दो भागों में डिवाइड वो कर दिया, ऐड कर दिया, ये आ गया। ये कितना आता है, 77 जब 49 होता है, डबल कर दिया तो कितना हो गया, 98 हो गया। उसके बाद में 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 72, कितना आएगा, 72 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है। कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा, 72। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर स्टार फोर इक्वल क्या दे दिया आपको, सिक्स दे दिया, सिक्स स्टार सिक्स आपको क्या दे दिया, 26, सेवन स्टार सेवन इक्वल आपको 39 दे दिया, और 5 स्टार 5 इक्वल आपको दे दिया कुछ नहीं, क्या दिया आपको, क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको भी तो बताना है, अगर सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको भी तो सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सिंपल है, क्या 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल होता है हमारा, ठीक है, हमें कितना लेके आना है, 6 लेके आना है, मतलब यहां से हमने 10 माइनस कर दिया तो 6 आया, 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल होता है हमारा 36, और 10 हमने माइनस कर दिया तो क्या आया हमारा, 26 आया, 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल होता है आपका 49, 10 हमने माइनस कर दिया तो कितना आया, 39 आया, 5
फाइव मल्टीप्लाई फाइव इक्वल कितना होता है 25, माइनस के 10 किया तो कितना आया 15, कितना आया 15। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 2 star 3 आपको कितना दिया है 6 दिया है, कितना दिया है 64, क्या दिया है आपको 64 दिया हुआ है। अब आगे आगे क्या दिया है, 4 star 5 इक्वल क्या दिया है 108, 7 star 8 इक्वल आपको कितना दिया है 16 और 14। तो 5 star 6 आपको बताना है कि क्या होगा, 5 star 6 आपको बताना है क्या होगा। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है कि जी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस देखने का तरीका होना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार देखो ढंग से, अच्छे तरीके से देखो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है कि जो हमें इतनी संख्या दे रहा है और केवल छोटी संख्या दे रहा है और फिर उनको इक्वल करके कितना दे रहा है बड़ी संख्या दे रहा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ कि क्या है मेरा, ये क्या है 23 है, क्या है 23 है। अगर मैं इसको डबल करता हूँ, अगर मैं इसको डबल करता हूँ 23 मतलब मैं इसमें 23 अगर ऐड और कर दूँ, इसमें ऐड कर दूँ तो कितना 6 और 4 कितना आया 6 और 4 आया। लेकिन मैंने क्या कर दिया इन दोनों को क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, तो कितना हुआ 64 हुआ। ठीक है, दूसरी संख्या 45 और 45 45, ये कितना 10 और ये कितना 8। अब देखो जब इसको आप क्या करोगे इंटरचेंज करोगे इनको आपस में, तो ये 10 इधर आएगा और ये इधर आएगा तो 108 बनेगा। ये कितना बनेगा 8 × 16 पहले आएगा और 7 × 14 बाद में आएगा। यहाँ से कितना आएगा 6 × 12 पहले आएगा और 5 × 10 बाद में आएगा, मतलब 12 × 10 कितना आएगा सॉरी क्या आएगा 12 × 10। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं क्या आएगा, यदि 4 = 7 है, 6 = 9 है और 8 = 11 है तो 10 = क्या होगा, तो 10 इक्वल हमारा क्या होगा बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, आपको क्या करना है 4 से 7 बनाना है, मतलब 4 + 3 = 7। ठीक है, 6 से 9 6 + 3 = 9, 8 + 3 = 11, तो 10 + 3 करना है आपको कितना बनेगा 13, कितना बनेगा 13 बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा जो आपका राइट आंसर होता है, कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा जो आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7, 4 और 1 इक्वल क्या दे दिया आपको, 7 - 4 - 1 इक्वल दे दिया 714, कितना दे दिया 714 आपको दे दिया। 9 - 2 - 3 इक्वल आपको दे दिया कितना 932 और 8 - 0 - 4 इक्वल आपको बताना है कि क्या आएगा। अब देखिए इसमें क्या करा है, मान के चलिए मैं इसमें एक नंबर दे दूं 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहां पर क्या बनाइए 1, 3, 2 बना, कितना बना 1, 3 और 2 बना। जब ये बना तो आगे भी यही बना है और आगे भी आपको यही बना है 804 पे आपको कितना करना है 132 बनाना है,
132 बनाना है, तो 132 कैसे बनेगा, क्या बनेगा 132, 132 बनेगा आपका 840, कितना बनेगा 840, ऑप्शन नंबर बी, क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। 4*6 इक्वल क्या दिया आपको 72, 81*5 इक्वल दे दिया आपको कितना 225, 9* क्वेश्चन मार्क और कितना दिया है 147 आपको दिया है, क्या दिया है 147 आपको दिया है। तो अब आपको बताना है कि क्या आएगा, आपको बताना है कि आगे अब क्या आएगा, तो बताइए जरा कि क्या आएगा। अब इसमें आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा ये आपको बताना होगा, बताइए जल्दी से क्या आएगा। अगर यहाँ देखा जाए इनमें, तो इनमें से कैसे कैसे संख्या हमारी है जो इसको क्या बनाना है 72 बनाना है और फिर 225 बनाना है और 147 आपको बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए मान के चलिए अगर मैं इस वाले का अंडर रूट कर दूँ, पहली जो संख्या है मेरी मैं उसका अंडर रूट कर दूँ और दूसरी वाली जो संख्या है उसका मैं क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ, उसका क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ से कितना 2 निकला और यहाँ से कितना निकला 36 निकला, तो कितना बना 72 बना, यहाँ से मेरा 9 बना और यहाँ से 25 बना, तो 25 9 जो कितने होते हैं 225 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यही बन रहा है ना, यहाँ से क्या बनेगा यहाँ से मेरा 3 बनेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या मैंने मान के चलो एक्स की पावर 2 दे दिया और कितना बनाना है मुझे 147 बनना है, 3 से इसको डिवाइड करिए 3 4 जा कितना बचा 2 और 3 9 जा 27 कितना बचा, अब आपका बचा ये एक्स इक्वल 49, आप सभी जानते हैं कि एक्स इक्वल जब आपको निकालना है तो 49 पे चढ़ा दीजिए और एक्स इक्वल कितना आ जाएगा मेरा 7, कितना आ जाएगा 7 मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, बताइए जल्दी से यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और आगे क्या है आपका, आगे दिया है निर्देश, आपको दिया है निर्देश, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12 और 12 क्या दिया आपको 364 इक्वल 36 और 4 ब्रैकेट में आपको दिया है 147 और इसके बाद आपको दिया है 437, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया है 574, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 641 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आ गया, चलिए आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर निकालना है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। मैंने यहाँ से देखा जब हम यहाँ से ये चीज़ें 364 और 437 हमने ये देखा, क्या देखा हमने ये वाली संख्या देखी, तो जब हमारी ये संख्या मिलती है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 437 में से 364 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 73, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा मात्र 73 हमारा बचता है, लेकिन ये क्या है 147 है, क्या है 147 है। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 146 बनता है मेरा, 146 बनता है हमारा। अब क्या करना होगा आपको 641 में से 574 आपको क्या करना है माइनस करना है, कितना बचेगा 7 के बाद में यहाँ से कितना बचेगा 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 16 और 7 बचतेगा, क्या बचेगा
वन सिक्स और सेवन आप क्या बचेगा? केवल सिक्स सेवन बचेगा, केवल सिक्स सेवन बचेगा, ये नहीं बचेगा, ठीक है, केवल सिक्स सेवन बचेगा। और जब सिक्स सेवन हमारा बचेगा तो क्या आंसर आएगा, तो क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से। जहाँ से मल्टीप्लाई करी हमने टू की, टू सेवन जा फोर, टू सेवन जा कितना, वन थ्री फोर, वन थ्री और फोर, कौन सा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 12, ब्रैकेट में 140 और फिर 12, 6 4 20 6, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब जब क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है तो आपको कैसे करना है, जब अब देखिए 140 यहां दिया हुआ है, 12 यहां दिया हुआ है, और ये 12 ही और आपका यहां दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, लेकिन यहां पर क्या है माइनस के 4 कर दिए, माइनस के 4 कर दिया तो क्या किया 140 बना, क्या बना 140 बना। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई आपस में, ना कि स्क्वायर हुआ है, ये मत सोचना कि इन दोनों का स्क्वायर हुआ है, दोनों में आपस में क्या हुई मल्टीप्लाई हुई है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 24, माइनस के 4 किया तो कितना बना मेरा 20 बना, 20 मल्टीप्लाई 6 कितना 120, माइनस के 4 करेंगे तो 116 मेरा आंसर बनेगा, जो ऑप्शन नंबर डी होता है, कौन सा होता है ऑप्शन नंबर डी होता है, कौन सा होता है ऑप्शन नंबर डी मेरा बनता है 116 राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा आपका। अब देखिए यहां आ गया आपका निर्देश दिया है, यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है तो समीकरण के लिए उपयुक्त चिन्ह क्या होने चाहिए। हमने आपको बताया था कि यहां पर क्या मिलेगा आपको, स्टार मिलेगा, क्या मिलेगा स्टार मिलेगा। अब जब आपको स्टार मिला है, आपको स्टार मिला है, तो अब स्टार की जगह पे आपको यहां पर क्या रखना है, स्टार की जगह पे आपको क्या रखना है। तीन सिंबल आपको दिए हैं, ठीक है, तीन सिंबल आपको दिए हुए हैं, पहले में क्या क्या दिए हुए हैं वो आप एक बार देख लीजिए, तीन तीन सिंबल आपको हर किसी में दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या है सिंबल है, ये भी क्या है आपका सिंबल है, हो सकता है ये भी चेंज करना पड़े आपको, हो सकता है ये भी आपको क्या करना पड़े चेंज करना पड़े, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, इनको चेंज कैसे करेंगे, अब मान चलिए हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं तो क्या कहता है ये 17 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6 माइनस के 45, माइनस के 45, हमने इसको किया 17 51 इक्वल माइनस के कितना आया 39 हुआ, पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरे ऑप्शन को रखेंगे उठा के, 17 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल कितना 45, कितना 6 3 18, 17 माइनस के 6 3 18, तो ये भी आपका गलत हुआ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन उठाएंगे हम, तीसरा 17 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 6 और प्लस के 45, तो ये भी हमारा क्या होगा गलत होगा, ये भी क्या होगा हमारा गलत होगा, ठीक है। उसके बाद में
यहाँ पर ये क्या है आपका इक्वल का है, ये आपका इक्वल का दे रखा है ना कि माइनस का आपका, तो क्या होगा 17 × 3 इक्वल 6 प्लस के 45, तो कितना 17 × 51 और 45 × 6 = 51, तो क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा इसमें भी वही चीज़ आपको करना है, इसमें भी आपको वही चीज़ करना है कि इस वाले में भी कौन सा हमारा चेंज होगा, इसमें हमारा कौन सा सिंबल होगा, कौन से ऑप्शन होगा जिसको ये फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए पहले ही ऑप्शन को उठाते हैं हम, क्या 3 × 2 फिर कितना +1 इक्वल कितना 7, तीनों सिंबल आ चुके हमारे, मल्टीप्लाई आ गया, प्लस आ गया और इक्वल आ गया, तो कितना किया 3 × 6 प्लस के 1 इक्वल 7, ये तो पहला ही हमारा ऑप्शन, पहला ही हमारा ऑप्शन क्या हुआ राइट हो जाएगा, क्या पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हुआ राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हुआ करेक्ट आंसर आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं जरा, कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा होगा जिसको चेंज करने पर इसमें क्या आएगा बदलाव होगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या क्या चेंज करना है, आपको क्या क्या चेंज करना है वो आपको दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चेंज करना है, 3 और 1 को चेंज करना है आपको, प्लस 3 1 2 3 1 2 3। चलिए देखते हैं 23। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि यहां पर ये 26 दिया है, ये आपको 26 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब आपको करना कैसे वो एक बार देखिए, अगर हम मान के चलिए हम इसको ऑप्शन नंबर ए को उठाएं 23 × 3 इक्वल कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए, लेकिन 26 नहीं बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा, पहला ऑप्शन मेरा गलत हुआ। दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं 23 × 1 इक्वल कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है हमारा, तो ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 3 को उठाते हैं, क्या है हमारा 23 + 3 इक्वल कितना 26 हुआ, फिर आगे वो देखते हैं आगे कौन सा आपका 26 + 1 इक्वल 27 होना चाहिए, तो ये भी 27 और इधर भी मेरा 27, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप सब भी देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा चेंज था, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका कि अगर इनकी जगह पे कौन सा ऐसा ऑप्शन रखा जाए, ऐसा कौन सा ऑप्शन रखा जाए जिससे ये हमारा सॉल्व हो जाए, जिससे सॉल्व हो जाए। अब मान के चलिए अगर हम 65 क्वेश्चन ऑप्शन पहले को ही उठाइए, पहले वाले ऑप्शन को अगर हम उठाएं तो क्या है माइनस कितना 40 और प्लस कितना करना है हमें 11 करना है। कितना लेके आना है 36 लेके आना है, कितना 36 लेके आना है। तो सबसे पहले क्या होगा ऐड होगा 5 और 1 6 और 6 और 1 7 कितना हुआ 7 और 6 ठीक है। माइनस कितना 40 कितना 36 इक्वल लेके आना है। तो यहाँ से कितना बचा 6 बचा और यहाँ से कितना बचा 3 बचा। दोनों तरफ आपका कितना आया 36 आया, दोनों तरफ आपका क्या आया 36 आया है। 36 आने पे मेरा जो राइट आंसर है वो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं जरा। अब देखिए यहां पर क्या है आपको 6, 5 और 4 आपको दिया हुआ है, 6, 5 और 4 आपको दिया हुआ है। इनसे क्या करना है आपको बड़ी संख्या आपको लेके आनी है। ठीक है, क्या करना है आपको बड़ी संख्या लेके आनी है। तो बड़ी संख्या जब लेके आएंगे तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत हो जाएगा। बात बचेगी अब बी और डी पे हमारा बात बनेगी। तो कैसे होगा, यहाँ पर मैंने लगाया 6 × 5 माइनस के अगर मैं 4 करूँ तभी तो मेरा 34 बनेगा, बनाई प्लस करूँगा जब यहाँ पर मैं प्लस करूँगा तभी तो मेरा 34 बनेगा। कितना 30 + 4 = 34 दोनों तरफ मेरा कितना बना है 34 बना है। तो किससे बना है मल्टीप्लाई और प्लस से, किससे बना है जब मैंने इन दोनों में मल्टीप्लाई और प्लस का सिंबल लगाया है तभी तो इसका आंसर आया है। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा उसको एक बार देखते हैं, अगले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि क्या कहता है ठीक। चलिए क्वेश्चन कहता है यदि प्लस का अर्थ क्या है घटाना, प्लस का अर्थ क्या है घटाना और घटाने का अर्थ क्या है जोड़ना, डिवाइड का अर्थ क्या है जोड़ना ठीक है। हो माइनस का अर्थ क्या है गुणा, माइनस का अर्थ क्या है गुणा और गुणा का अर्थ क्या है भाग, गुणा का अर्थ क्या है भाग। ये आपको चार सिंबल क्या करने हैं, अब आपको चेंज करने हैं, क्या करने हैं आपको चेंज करने हैं। तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही होगा वो आपको छांटना है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम चलते हैं, क्या होगा 56 प्लस की जगह पर आपको क्या करना है माइनस करना है, माइनस 12 अब क्या आया मल्टीप्लाई की जगह आपको क्या करना है डिवाइड, कितना 34 माइनस की जगह आपको कितना करना है 12 माइनस की जगह पर आपको कितना करना है 12 करना है ठीक है। और इक्वल कितना लेके आना है आपको 102 लेके आना है, क्या लेके आना है 102 आपको लेके आना है। अगर मान के चलिए अब कितना हुआ ये जो है यहाँ आएगा 34 ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा तो ये तो पॉइंट बनाएगा, क्या बनाएगा पॉइंट बनाएगा और जब पॉइंट बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा गलत होगा। चलिए ऑप्शन नंबर टू की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर टू पे क्या दिया हुआ आपका 8 प्लस की जगह पे आपको माइनस करना है कितना 44 ठीक है।
माइनस की जगह पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, माइनस की जगह पे आपको मल्टीप्लाई करना है, और प्लस की जगह पे फिर प्लस आपका दे दिया, प्लस आपका क्या दे दिया, माइनस के कितना 25 इक्वल आपको कितना 203 आपको दे दिया। अब जब यहाँ आपको दे दिया है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 और 2 22 220, माइनस के कितना हो गया 25 हो गया, माइनस के यहाँ 25 हो गया, तो जब माइनस के 25 हुआ और ये आपका कितना है माइनस है, ठीक है, और 8 ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ये क्या होगा माइनस और माइनस प्लस होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 245 होगा, क्या होगा 245 होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा क्या हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, 112 मल्टीप्लाई का सिंबल क्या है डिवाइड, मल्टीप्लाई का सिंबल क्या है डिवाइड, कितना 44, कितना डिवाइड कितने से कर रहा है 44 से कर रहा है, ठीक है, कितने से कर रहा है 44 से कर रहा है, और जब 44 से करेगा, 44 से जब ये करेगा तो कौन सा आंसर होगा, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए जरा जरा इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा, क्वेश्चन में हम जब भी सोच रहे थे कि क्वेश्चन कैसे है, यहाँ जो है ये जो प्लस आपको दे रखा है ये क्या है आपका, यहाँ पर डिवाइड है, क्या है यहाँ पर आपका डिवाइड दे रखा है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन रहा था, ठीक है, तो कैसे बन रहा है वो देखिए जरा, 8 + 44 मल्टीप्लाई 5 और माइनस के 25 करके इक्वल आ गया आपका 203, यहाँ से बना आपका 8 + 220 - 25 इक्वल 203, कितना बना 228 - 25, तो कितना बनेगा 203, और इधर भी 203 मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आगे क्या दिया है, यदि माइनस का अभिप्राय भाग से है, माइनस का अभिप्राय किससे है भाग से, और प्लस का अभिप्राय किससे है गुणा से, और भाग का अभिप्राय किससे है घटाने से, और मल्टीप्लाई का अभिप्राय किससे है जोड़ने से, अभिप्राय किससे जोड़ने से, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा होगा जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, 30 प्लस की जगह पे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई 5, माइनस की जगह पे आपको क्या करना है डिवाइड, कितना 12। अब देखिए जब आप यहाँ पे 12 रखेंगे, जब आप यहाँ पर 12 रखेंगे तो क्या ये कटेगा क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ जब आप यहाँ भी करेंगे तो कितना 6 से 5 बार और 6 से 2 बार, तो यहाँ भी क्या करेगा ये पॉइंट देगा, यहाँ भी क्या करेगा ये पॉइंट देगा, जो हमें पॉइंट नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन की तरफ बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 30 माइनस की जगह आपको क्या करना है डिवाइड रखना है 5, प्लस की जगह पे आपको मल्टीप्लाई रखना है कितना 12, और डिवाइड की जगह पे आपको रखना है माइनस, और मल्टीप्लाई की जगह पे आपको रखना है कितना प्लस, ठीक है, कर दीजिए, यहाँ से कितना बनेगा 6 और यहाँ से 12, माइनस के 8 प्लस के 12, यहाँ से कितना 72 माइनस के माइनस और प्लस, देखिए यहाँ पर कितना कर सकते हैं प्लस के 4 कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर अब प्लस के 4 कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा कर लीजिए, आप फिर सीधा सीधा कर लीजिए,
यहाँ पर क्या आपका माइनस, यहाँ पर क्या आपका माइनस एट प्लस के ये, ठीक है। तो इसको जोड़िए, फोर और कितना एट, माइनस के एट, तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका 76। और 76 ही आपसे मांगा है, 76 ही आपसे मांगा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लस घटाने के लिए है, भाग जोड़ के लिए है, माइनस भाग जोड़ के लिए है, माइनस है गुणा के लिए, और भाग गुणा है भाग के लिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा जो राइट आंसर होगा। चलिए पहले ऑप्शन को उठाते हैं, ऑप्शन 46। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, और प्लस का अर्थ क्या है, घटाने से और डिवाइड मल्टीप्लाई का भाग, कितना 5। इक्वल कितना लेके आना है आपको, 92 लेके आना है। चल तो कर दीजिए, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से कितना आएगा 402, ठीक है, और माइनस के कितना आएगा, माइनस के आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कहेगा हमारा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि 265 प्लस की जगह पे आपको क्या करना है, प्लस की जगह पे माइनस करना है आपको 11, और माइनस की जगह पे आपको क्या करना है, गुणा करना है, कितना 2, और मल्टीप्लाई की जगह पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, कितना इसे। तो जब यहाँ से डिवाइड आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, कितना 66 मल्टीप्लाई की जगह पे कितना डिवाइड, कितना 3, माइनस की जगह पे आपको गुणा रखना है, कितना 11, प्लस की जगह पे आपको माइनस रखना है, कितना लेके आना है, 230 लेके आना है। यहाँ से कितना 33 मल्टीप्लाई 11 माइनस के 12 इक्वल 203, मल्टी डिवाइड करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 2 माइनस के 12 इक्वल 203, घटाएंगे 0, 3 और 2 इक्वल में कितना है 2030। दोनों इक्वल है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या करेगा, राइट आंसर बनाएगा, क्या बनाएगा, राइट आंसर बनाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं जरा। अब देखिए इस वाले में भी आपको यही चीज़ दिया है कि क्या है, प्लस डिवाइड अर्थ से अधिक मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ बराबर, और इसका ये, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा कि हमारा जो इनमें से ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा। चलिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं, 5, इसका अर्थ क्या है गुणा, और इसका अर्थ क्या है छोटे का अर्थ क्या है घटाना, कितना 1, और माइनस का अर्थ है बराबर, कितने 3, मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना आप, ठीक है। तो 5 दूनी 10 माइनस के 1 करेंगे तो यहाँ से कितना 12, ये कितना 9 इक्वल 12, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, कितना 5, छोटे का अर्थ क्या है घटाना, कितना 2, मल्टीप्लाई 1, डिवाइड का अर्थ क्या है
डिवाइड का अर्थ है अधिक, डिवाइड का अर्थ है अधिक, डिवाइड का अर्थ है अधिक, थ्री और इसका अर्थ क्या है गुणा, इसका अर्थ है गुणा, फोर और मल्टीप्लाई वन, तो कितना हुआ फाइव माइनस के टू बड़ा है किससे 12 से, थ्री बड़ा है 12 से, गलत हो गया, क्या हुआ गलत हुआ, ये भी हमारा ये भी हमारा, ऑप्शन नंबर सी कितना फाइव बड़ा है किससे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, माइनस का अर्थ क्या है माइनस का अर्थ है बराबर कितना थ्री, इसका अर्थ क्या है गुणा, और इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है आपका घटाना, तो कितना पाँच दूनी दस, पाँच दूनी दस बराबर है कितने से, बराबर है कितने से तीन चौक बारह माइनस के एक, तो ये भी हमारा कौन सा ये भी हमारा गलत हुआ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी हमारा क्या हुआ गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हुआ गलत होगा, बताइए एक मिनट एक मिनट, मल्टीप्लाई का ठीक है दे रखा है, मल्टीप्लाई का ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी दोबारा देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी को दोबारा देखिए एक बार, क्या है फाइव बड़े का अर्थ क्या है गुणा दो, और गुणा का अर्थ क्या दिया है आपको जोड़ यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है बराबर तीन गुणा चार माइनस के वन, तो पाँच दूनी दस प्लस के एक इक्वल तीन चौक बारह माइनस के एक ग्यारह, माइनस ग्यारह बराबर ग्यारह, ग्यारह बराबर ग्यारह, ऑप्शन नंबर सी कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ राइट आंसर हो गया ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा सेम है, अगला क्वेश्चन हमारा सेम है, तो सेम के लिए करेंगे सेम करेंगे आप ठीक है, सेम आप करेंगे और आप करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा वो देखते हैं ठीक है। क्या होगा यदि ए का अर्थ भाग, यदि ए का अर्थ भाग है 46 डिवाइड 2, बी का अर्थ क्या है माइनस, बी का अर्थ क्या है माइनस, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, तो कितना आया यहाँ से कितना आया 23 माइनस के कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 4, कितना आएगा माइनस के ये कितना 3, 3 4 जा 12, तो कितना आएगा 1 और 1, क्या आएगा 1 और 1, 1 और 1 कौन सा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है अगला क्वेश्चन का अर्थ ये है, चलिए ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं हम डायरेक्ट 8, बी का अर्थ क्या है बी का अर्थ है माइनस 6, डी का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड कितने से लगाना है, चलिए एक संख्या यहाँ पर छूटी हुई है, एक संख्या यहाँ पर छूटी हुई है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या हमारी छूटी हुई है, एक मिनट रुकिए, चलिए नहीं है ठीक है, संख्या छूटी हुई नहीं है, तो ये वाला जो है ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में कोई भी संख्या नहीं है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात करते हैं हम, ऑप्शन बी क्या है 9, सी मल्टीप्लाई 9, बी माइनस 9 और डी डिवाइड कितने से 9 से, इक्वल कितना आपका 17, तो 17 तो आएगा ही, 17 तो आएगा ही नहीं, क्यों यहाँ से कितना 81 माइनस के यहाँ से कितना 1, तो क्या हुआ 80 आएगा, क्या आएगा 80 आएगा। सी की बात करते हैं, चलिए 8 ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ मल्टीप्लाई
कितना 8, इक्वल कितना माइनस के 48, 8 यहाँ से 8 दूनी 16 माइनस के 8 हटे 64, कितना 48, कितना हुआ 48 इक्वल माइनस 48, ठीक है, दोनों तरफ 48 आएगा माइनस का, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 74 एक डी का अर्थ क्या है, डी से अभिप्राय है प्लस से, ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है मल्टीप्लाई कितना 3, और जी का अर्थ क्या है, जी का अर्थ है माइनस 2, तो कितना आएगा 74 प्लस 12 माइनस के 2 कितना 6, 8 माइनस के 2 इक्वल कितना आ गया 84, क्या आया 84, देख लीजिए एक बार, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कहीं गलत ना हो जाए हमारा, कहीं हमारा गलत ना हो जाए, 4 × 12 7A 4D, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है, क्वेश्चन है 7A 4D 4A 3G2, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो 7 × 4D + 4A A × 3G − 2, यहाँ से 28 + 12 − 2 तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 40 − 2 कितना हो गया 38, कितना हो गया 38, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए क्या है हमारा, कभी पता चले कि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए, तो क्या है 24 / 6 और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई 4, बी का अर्थ क्या है हमारा प्लस कितना 9, सी का अर्थ माइनस 8, इक्वल आपको लेके आना है, तो यहाँ से 4 × 4 + 9 − 8 4 × 4 = 1 कितना आ गया 17, डायरेक्ट कर दिया मैंने एक लाइन को छोड़ के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, L इक्वल आपको क्या दिया है, प्लस दिया हुआ है, L इक्वल आपको प्लस दिया हुआ है, M इक्वल आपको माइनस दिया हुआ है, M इक्वल आपको माइनस दिया हुआ है, और N इक्वल आपको मल्टीप्लाई, P इक्वल आपको डिवाइड, P इक्वल आपको जो दिया हुआ है वो डिवाइड दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो कर दीजिए 5 × 5 P का डिवाइड 5 L का प्लस 5 M का माइनस 5 इक्वल आपको क्या लाए क्या आना है, तो कितना यहाँ से 1 बचा 5 × 1 + 5 − 5 तो 5 से 5 और 5 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे,
ठीक है। CIASF क्लास की आज की मैथमेटिकल ऑपरेशन की आपकी कंप्लीट क्लास होती है, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास को ज्वाइन किया। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट आप करते ही हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी हमारी क्लास हैं वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, साइंस क्लास, MCQ क्लास, ठीक है, सर आने वाले हैं कुछ ही देर में, ठीक है, अगली क्लास होगी, जुड़े रहिए जब तक, और हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ संध्या।